एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइंथ क्लासेस एंड दिस इज नाइंथ डे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। आरटी 2009 के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे, उसके बाद आपको नोट करना है। एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन के बारे में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका ये लागू कब हुआ था, जो कि आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2010 को आपका लागू किया गया था। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण ये आता है कि आरटी 2009 पारित कब हुआ था। अगर मैं पारित पूछा जाए तो पारित आपको याद रखना है 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था आपका आरटी 2009। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको इतनी सारी चीजें जानना है कि पारित कब हुआ। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा द्वारा इसको कब पारित किया गया, तो राज्यसभा द्वारा जो स्वीकृति है जो दी गई थी वो 20 जुलाई 2009 को दी गई थी। कब दी गई थी? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। कब दी गई थी? 20 जुलाई 2009 को। राष्ट्रपति द्वारा कब इस पर स्वीकृति जो है दी गई थी? तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति आपके जो है 26 अगस्त 2009 को दी गई थी। कब दी गई थी? आपके 26 अगस्त 2009 को दी गई थी। तो इतनी जो डेट है आपको आरटी के बारे में जरूर से याद रखनी है, खासकर जब आपका लागू हुआ था वो वाली डेट कि 1 अप्रैल 2010 को आपका आरटी लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। ठीक, अगर आप राज्यसभा और राष्ट्रपति को नहीं याद रख पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पारित होने वाली डेट आपको याद रखना है और आपको लागू होने वाली डेट याद रखना है। ठीक, तो ये तो आपने एक जनरल सी बात जान ली। उसके अलावा आरटी में कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रावधान में आपको याद रखना है यहाँ पर कि आपके आरटी 2009 में कहा गया है कि विद्यालय प्राप्त अनुदान का, जब आप सभी लोग ने डीएलएड किया है, किसी ने बीटीसी किया है, किसी ने बीएड किया है, तब जाके आप जो है सुपर टेट की परीक्षा देंगे या जो सीटेट की परीक्षा देंगे या टेट की जो भी परीक्षा दे रहे होंगे तभी दे पाएंगे। तो जब आप वहां पर अपनी ट्रेनिंग में, जो ट्रेनिंग होती है आपकी प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में स्कूल में, तो वहां पर जब आप गए होंगे तो आपने सीखा होगा कि विद्यालय प्राप्त अनुदान क्या होता है। विद्यालय प्राप्त अनुदान का 25% जो है आपका आरटी में लिखित रूप से कहा गया है कि विद्यालय प्राप्त अनुदान का 25% निःशुल्क जो आपकी शिक्षा है इसमें जाएगा। किसमें जाएगा? निःशुल्क शिक्षा में जाएगा। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट आपको कॉपी में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको बताया जा रहा है वही आपको लिखना है। आरटी 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्राप्त अनुदान का 25% निःशुल्क शिक्षा में आपका व्यय किया जाएगा। कितना? 25% जो है आपका निःशुल्क शिक्षा में व्यय किया जाएगा। किसमें? निःशुल्क शिक्षा में, आपको याद रखना है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा में आपका जो है ये व्यय किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, याद रखिएगा कितना? 25%। यहाँ पर 20 गलती से लिखा गया है, 25% है। अब यहाँ पर 25% एक और चीज आपको दिख रही है। क्या दिख रही है? 25% एक और चीज दिख रही है। इसमें कहा गया आरटी 2009 में कि आपके जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के जो 25% आपकी सीटें हैं ये किसके लिए होंगी? निर्धन विद्यार्थियों के लिए होंगी। ऐसा आरटी 2009 में प्रावधान किया गया, ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट बैठा लेना है कि आरटी 2009 में ये प्रावधान किया गया है कि आपके जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट समझ रहे हो ना, प्राइवेट स्कूलों का 25% सीटें आपके जो है निर्धन विद्यार्थियों के लिए आपकी रिजर्व होंगी। किसके लिए? निर्धन विद्यार्थियों के लिए होंगी। तो आपने दो चीजें यहाँ पर देखी 25% पे। पहला देखा कि प्राइवेट स्कूल की 25% सीटें जो है किसके लिए होंगी? निर्धन विद्यार्थियों के लिए होंगी। और आपकी विद्यालय प्राप्त अनुदान का, चूंकि विद्यालय को अलग अलग जगह से अनुदान प्राप्त होता है, उस अनुदान का 25% भाग जो है आपका निःशुल्क शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। किस पर? निःशुल्क शिक्षा एवं संसाधनों पर व्यय किया जाएगा। ऐसा आपका आरटी 2009 में प्रावधान किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपने अभी दो चीजें जानी। अब हम जानते हैं आरटी 2009 में आपका जो है छात्र शिक्षक का अनुपात प्राथमिक कक्षा में जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें कितना होता है, उच्च प्राथमिक स्कूल में कितना होता है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक यानी कि आपका जो है आप जिसे अपर प्राइमरी कहते हैं वो। ठीक, प्राथमिक यानी कि आपका 1 से 5 तक का, और अगर मैं अगर आपसे उच्च प्राथमिक करूं तो 6 से 8 तक का स्कूल। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी बातें बताना अच्छा होता है। अगर किसी को नहीं भी पता है तो कम से कम वो बच्चा जान ले, है ना। अगर मैं आरटी 2009 की बात करूं तो प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि प्राथमिक स्कूलों में आपका प्राथमिक स्तर में छात्र शिक्षक का अनुपात, छात्र का और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 30:1 होगा। माइंड में बिठा लीजिए, छात्र शिक्षक का अनुपात प्राथमिक कक्षा में 30:1 होता है। कितना? 30:1 होता है। ठीक है, अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में आएंगे तो ये आपका जो है
छात्र शिक्षक अनुपात परिवर्तित हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है, आप देख सकते हैं 35:1। अब आपने ये तो रट लिया, लेकिन आपकी परीक्षा में 35:1 अगर नहीं आया, 40:1 आ गया, तो उसके लिए अलग केस है। वो अलग केस क्या है, आपको पॉइंट बनाकर लिखना है यहीं पर। जैसे यहाँ पर आपने लिखा उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 35:1, यहाँ पर अगला पॉइंट बनाकर लिखिए। इस तरीके से लिखिए, अगर उच्च प्राथमिक जो आपका विद्यालय है इसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 यानी कि स्कूल में विद्यार्थी 200 हैं, तो छात्र का और शिक्षक का अनुपात 40:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखना है, 40:1 हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या 200+ है, ध्यान से सुनिए, उच्च प्राथमिक स्तर में अगर आपके विद्यालय में 200+ आपके विद्यार्थी हैं, तो उस केस में छात्र का और शिक्षक का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, जो कि 40:1 हो जाता है। तो आपको 35:1 रट के नहीं जाना है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या 200+ है, तो उस केस में आपका जो छात्र का शिक्षक अनुपात क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है 40:1। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है आपका जो RT 2009 है, इसमें अन्य जो प्रावधान किए गए हैं वो है कि आपका प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कितने घंटे आपके जो है होते हैं, तो न्यूनतम घंटे 800 घंटे डिसाइड किए गए हैं और 200 कार्य दिवस आपके डिसाइड किए गए हैं। एक टीचर का जो आपके यहाँ पर प्राथमिक स्तर में न्यूनतम घंटा डिसाइड किया गया है, वो 800 घंटे डिसाइड किए गए हैं और 200 कार्य दिवस डिसाइड किए गए हैं। एक शिक्षक को, जो आप टीचर बनने वाले हैं, आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए, प्रतिदिन 4 घंटे अपने स्कूल में देने होते हैं। प्रतिदिन आपको 4 घंटे स्कूल में जो है क्या करना होता है, पढ़ाना होता है। प्रतिदिन आपको 4 घंटे पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा RT 2009 में प्रावधान किया गया है कि आपको प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। ये प्रतिदिन 4 घंटे यहाँ पर समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपको एटलीस्ट 4 आवर्स जो है आपके स्कूल में पढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि मैम हम तो उससे ऊपर बन गए, हम तो उच्च प्राथमिक में बन गए, तब क्या होगा, तब आपको और ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कितना पढ़ाना होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 1000 घंटे और 220 कार्य दिवस आपके डिसाइड किए गए हैं, और प्रतिदिन एक शिक्षक को आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपको कम से कम 4 आपका जो है 4.5 घंटे जो है आपको पढ़ाना पड़ेगा। कितना, 4.5 घंटे आप सभी को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सुन रहे हैं भावी शिक्षक आप सभी लोग, आपको इतना करना ही होगा। ठीक है, और इतना आप सब कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये आपने देख लिया। अब बात आती है, तो मैम आपने समय बता दिया, लेकिन एक बात हमारे माइंड में हमेशा खटकती है, स्कूल कहाँ बनाया जाए। जो आपके ये सरकारी स्कूल बनते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, कहाँ बनाया जाए, कितनी दूरी पर यह स्कूल होता है, तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल जो है लगभग आपका 1 किलोमीटर की दूरी पर होना ही चाहिए, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 तक का बच्चा छोटा नन्ना मुन्ना होता है ना, ताकि उसको जो है आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आराम से जो है आ सकता है। तो आप अगर पूछा जाए आपसे कभी भी कि प्राथमिक स्तर पर आपके जो विद्यालय हैं वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो प्राथमिक विद्यालय आपका जो है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होना ही चाहिए आपके गांव से। इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कहीं पर भी नहीं लिखा गया इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, लिखिए। अगर आपसे पूछा जाता है तो लिखिए आप लोग इस चीज को कि प्राथमिक जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हमारा जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। कितना, 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये तो आपने प्राथमिक का मान लिया। अब अगर मैं बात करूं आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय की, तो आपकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तब अगर डिस्टेंस की बात करूं, तो आपका आपका जो 5 से 8 का बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो आराम से थोड़ा सा और डिस्टेंस चल सकता है। इसीलिए आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो डिस्टेंस बताई गई वो 3 किलोमीटर बताई गई। कितनी, 3 किलोमीटर बताई गई। अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिल सकती है, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय जो है आपका कितने किलोमीटर में होना चाहिए, 1 किलोमीटर में होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय आपका 3 किलोमीटर में होना चाहिए, ये बिल्कुल आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अगला है, यदि प्राथमिक स्तर पर आपके 150 से अधिक बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपके प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं, तो एक प्रधान अध्यापक होगा और 5 शिक्षक का प्रावधान RT 2009 में किया गया है। क्या कहा गया है कि अगर स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हैं, तो उस केस में आपका एक प्रधान अध्यापक होगा, प्रिंसिपल होगा, जिससे आप डरते थे जब ट्रेनिंग कर रहे थे, है ना। लेकिन वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा स्कूल जो है बहुत ही बेस्ट था, एंड मेरे लिए तो मेमोरेबल है, और मैं बहुत मिस करती हूँ उन सभी को,
बहुत अच्छा स्कूल था। तो एक प्रधान अध्यापक आपका होना चाहिए और 5 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप गए तब ये चेंज हो जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके अगर 100 से अधिक स्टूडेंट है, कितने हैं 100 से अधिक स्टूडेंट है, इस चीज को आपको नोट कर लेना है, 100 से अधिक बच्चे हैं तो एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी। कितने? एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तो। इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग, और बिल्कुल इस चीज को आपको नोट करके अपने फैक्ट जो है इनको बार बार रिविजन करना है, क्योंकि सारी फैक्ट्स ही है आरटी 2009 में, सारी चीजें फैक्चुअल है ना। अगला देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपके आरटी 2009 में आपकी धाराएं हैं, अध्याय हैं, एक अनुसूची है। आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आरटी 2009 में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूची हैं, किस अध्याय में सबसे ज्यादा आपकी धाराएं हैं, तो यही आपको समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो है आरटी 2009 में कितनी धाराएं, 38 धाराएं, कितनी है 38, कितने अध्याय है 7 अध्याय है, कितनी अनुसूचियां 1 अनुसूचियां, बिल्कुल इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची 38 धाराएं हैं। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा जो आपकी धाराएं वो किस अध्याय में, तो आपके अध्याय 4 में, किसमें, अध्याय 4 में। अध्याय 4 एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपकी सबसे अधिक धाराएं, लगभग 16 धाराएं, कितनी है 16 धाराएं हैं, याद रखिएगा। आरटी 2009 में आपकी 38 धाराएं, कितनी धाराएं 38 धाराएं, 7 अध्याय 1 अनुसूची है, जिसमें से अध्याय 4 में जो चौथा अध्याय है इसमें आपकी सबसे ज्यादा धाराएं हैं, कितनी है, लगभग आपकी 16 धाराएं हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ धाराएं मैंने लिखी हुई हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। धारा 17 में कहा गया है कि शारीरिक दंड एवं प्रताड़ित करना मना है। पहले ये होता था, मम्मी तो अलग से कूटती ही थी, जब स्कूल जाते थे उससे पहले धुनाई मम्मी करके भेजती थी बढ़िया से, स्कूल में भी कूटते थे, दोनों ही तरफ से बैंड बजती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मम्मी तो देखिए हर किसी की, अब समय चेंज हो गया, मम्मी अब नहीं मारती है। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको आपकी मम्मी ने झाड़ू से मारा हो? अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में खजरी होती है, क्या होती है, खजरी, खजूर, मतलब मैं सिंपल वे में बोलना चाहिए खजूर होती है, खजूर से जो है झाड़ू बनती है, और वो झाड़ू जो होती है इस तरीके से कुछ ऐसी होती है, बड़ा ही मजेदार है, आप लोग सुन लीजिए, इस तरीके से कुछ होती है ऐसी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन सा होता है, इस तरीके से वो झाड़ू होती है, इतने पहने इसके जो दांते होते हैं भाई साहब, और जब ये पड़ता है तो खून जला जाता था मुझे तो, और मैं तो पता नहीं बहुत पिटी हूँ। आप लोगों में से किसी को ये पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो जरूर बताइएगा। स्कूल में जाते थे तो बाहर टीचर मारता था देर से आई हो, कभी कई बार देर हो जाती थी घर की वजह से, कुछ भी ऐसा काम होता था देर हो जाती थी, तो दोनों ही तरफ से मार पीटती थी। लेकिन अब आरटी 2009 में कहा गया कि शारीरिक दंड एवं प्रताड़ित करना क्या है, मना है, ठीक है। अब स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, आप देखिएगा, आप सरकारी स्कूल में बच्चों को इतना नहीं पीटा जाता है, पहले भैद भैया की मार दी जाती थी, बहुत मारा जाता था, डंडा से 20 नंबर का डंडा मंगाया जाता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, बेटा पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ता है तो फिर कहते हैं पढ़ लो, नहीं तो फिर तुम्हें भी गाय चरानी पड़ेगी, बच्चा थोड़ा बहुत समझता है ना। तो शारीरिक दंड जो है आपका प्रताड़ित करने को मना किया गया धारा 17 में, धारा 21 में SMC का प्रावधान किया गया। अब भैया ये क्या है SMC? क्या आप लोगों में से जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने ट्रेनिंग में बिल्कुल ऑनेस्टली गए हैं, जो ऑनेस्टली गए होंगे उन सभी को पता होगा SMC क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी लिख लीजिएगा, SMC नहीं पता हो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी होती है जो हर स्कूल में गठित की जाती है, और इस कमेटी में, ध्यान से सुनिएगा, इस कमेटी में जो आपके सदस्य होते हैं और जो आपका अध्यक्ष होता है वही होता है जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी जो कमेटी है, कमेटी का मतलब क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, कमेटी, समिति है ना, समिति है तो भाई एक से ज्यादा लोग होंगे, ये तो सिंपल सी बात है कि कमेटी है तो एक से ज्यादा लोग होंगे। अब मैं आपको ये समझा रही कि SMC में हर आपका जो सदस्य है, प्रत्येक सदस्य आपका वही होगा जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका माता पिता ही हो सकता है, अदरवाइज और कोई स्कूल के बाहर का नहीं हो सकता है। सपोज करिए स्कूल में ये जो है स्कूल है, इसमें विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जो होंगे इन्हीं के पेरेंट्स जो है SMC के, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। इस चीज को माइंड में फिट बैठा लेना है कि SMC का सदस्य वही होता है, अध्यक्ष वही होता है जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बाहरी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर कोई बाहरी व्यक्ति चाहे कि भैया हम SMC के सदस्य बन जाए तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज SMC का कार्य ही होता है कि स्कूल में ये सब चीजें देखना कि बच्चों को जो वितरण हो रहा है चीजों का, सरकार की तरफ से कई सारी चीजें दी जाती हैं, आप सभी को पता है, ड्रेस दी जाती है, बैग दिया जाता है, जूता दिया जाता है, सॉक्स दिए जाते हैं, बुक्स दिए जाते हैं, और मिड डे मील आप सभी को पता है।
ये सारी चीजों का जो है जांच पड़ताल करने का काम एसएमसी करती है बाकायदा इन सभी के द्वारा। इस चीज का जो है कहेंगे, मैं कहूंगी कि उस चीज को ध्यान दिया जाता है, अवलोकन किया जाता है उस चीज का, और उसको बताया जाता है कि ये चीज जैसे खराब है, अगर खाने में कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाता है। लेकिन एसएमसी का विशेष रूप से कार्य यही होता है कि स्कूल में वितरण सही से हो रहा है चीजों का कि नहीं, कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा दिनों से अनुपस्थित तो नहीं है, इस तरीके के कार्य जो एसएमसी संभालती है। ठीक, तो ये एसएमसी का जो प्रावधान है धारा 21 में किया गया, आरटी की धारा 21 है जिसमें कहा गया है एसएमसी का प्रावधान किया गया, किसका, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान किया गया है। ठीक, एक धारा यहाँ पर मिस है ना, धारा 24 यहाँ पर लिखिएगा, धारा 24 यहाँ बीच में लिखिए आप लोग, धारा 24, धारा 24 में आपके यानी कि शिक्षक के, किसके, आपके शिक्षक के जो दायित्व है, आपके दायित्व बनते हैं ना स्कूल के प्रति, आपके दायित्वों का वर्णन किया गया है, किसका, आपके दायित्वों का वर्णन किया गया है धारा 24 में। लिख लीजिए इस चीज को आप लोग, मैं मिस कर गई शायद, हो सकता है। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि धारा 24 में अध्यापकों के दायित्वों का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला देखिए धारा आपकी 25 है जिसमें कहा गया छात्र शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है, जो आपने देखा कि प्राथमिक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, उच्च प्राथमिक स्तर में 35:1, और अगर 200+ विद्यार्थी हैं तो 40:1 होता है। तो ये जो प्रावधान है धारा 25 में किया गया है, किसमें, धारा 25 में। उसके बाद आता है धारा 28, धारा 28 में शिक्षक जो है, अब शिक्षक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर शिक्षक से मतलब है जो प्राइवेट स्कूल का जो आपका गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, चाहे वो प्राथमिक टीचर हो चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचर हो, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। अब मैं आपको इस चीज से संबंधित एक अपना जो है बताती हूँ किस्सा। मैं 11th 12th में, आप सभी को पता है उस टाइम बहुत मोटी मोटी सी बुक होती है, तो मेरी ट्यूशन लगाई गई थी, एक मेरे सर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो वो टीचर बहुत ज्यादा फेमस थे हमारे यहाँ। वो टीचर जो है फेमस तो थे लेकिन डरते बहुत थे, पता ही नहीं चला भाई क्यों डरते हैं, समझ ही नहीं आ रहा था क्यों डरते हैं। मुझे समझ में कब आया, अभी आया, मैं समझाती हूँ कि क्यों आया अभी, क्योंकि जब वो मुझे पढ़ाते थे, हम लोगों को बहुत बच्चे आते थे उनके यहाँ, बहुत सारे बच्चे आते थे, उन्होंने एक ऐसा रूम किराए पर ले रखा था, ध्यान सुनिएगा, ऐसा रूम उनका किराए पर था, यहाँ पर एक शटर थी और यहाँ पर एक गेट था जिससे हम बाहर जा सकते थे, मतलब सीधा रोड पे आ जाते थे, और ये मेन गेट था इनका। तो उन्होंने ऐसा रूम ले रखा था ताकि जब भी इनके यहाँ छापा पड़ता था, छापा बोला जाता है उसको हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ छापा को क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोल लीजिएगा आप लोग जो भी बोलते हो। तो जब छापा पड़ता था तो वो जो है जैसे पता चलता था छापा वाले आए, तुरंत से भाग जाते थे, उस टाइम समझ में नहीं आता था क्यों भाग रहे हैं सर, फिर धीरे धीरे पता चला कि वो एक प्राइमरी टीचर थे जिस वजह से वो भागते थे, क्योंकि आरटी 2009 में कहा गया है कि आपका एक शिक्षक चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में हो चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो, अगर वो सरकारी टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन कौन नहीं दे सकता, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का टीचर जो आपका सरकारी टीचर है वो कभी भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता, और देना भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, इतना अच्छा आप लोगों को सैलरी दी जा रही है तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, और बहुत ही मतलब मैं कहूंगी कि इतनी अच्छी जॉब है, आराम से अपना पढ़ाओ बच्चों को, घर आओ टाइम से, अपने बच्चों को देखो और मस्ती करो, जरूरत ही नहीं, अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है, सुबह के टाइम भी शाम के टाइम भी, है ना। ये रहा आपका टोटल आरटी के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इतनी मेहनत को देखते हुए एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।